सलमा खाला बता रही थी कि आजकल तुम पत्तों पे गुजारा कर रही हो। पत्तों पर गुजारा कर रही एमी अपनी तरफ से, मैं क्यों करने लगूंगी भाई पत्तों पर गुजारा। मुझे क्या पता, हो सकता है कि मामी ने सलमा खाला से झूठ बोला है ना। वैसे भी ना आजकल लोग कूल दिखने के लिए ना कहते हैं कि हम डाइट फूड पर हैं। अब सुनिए, वो आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं एंटरटेन होने नहीं आया यहाँ पर। पुरानी बस्ताएं, सब फाइन। वो मम्मी तो समझ रही थी कि आपको यहाँ बहुत मसला होगा, लेकिन आप तो बिल्कुल सेट हैं। आप सलमान की बहन है राइट? जी, उन्होंने बताया आपको? नहीं। अब लेकिन वो तो हमें आपके बारे में रोजाना बिठा बिठा के बातें बताते हैं। क्या बताता है वो? अब यही कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास कितने बंगले। हेलो, क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मैं जाके बस में बैठो, जाओ। यार ये बिल तो करो भाई। भी सामान सब देख के ले आना। हाँ, तशरीफ रखें प्लीज। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, तो शहर से आना, ऊपर से इतना सामान, शादी का घर, क्या गाऊं, देर हो गई। सामान तो भाभी घर में सब कुछ था। मुसर्रत ने तो सफाई करवा के फ्रिज भी सेट करवा दिया है, खाने की हर चीज मौजूद है। अगर कुछ और भी चाहिए हो तो बता दीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, बहुत प्यारा, जबरदस्त। हाँ, मैं तो घुटने रह गए कसम से। क्या बीच में सामान रखा है सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थक गई होंगी? भाई बहुत थक गई, यकीन माने मैं तो कर्तन अकड़ गई। पता है मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर पता नहीं क्या। आप सफर भी तो लंबा था ना, आप बैठिए प्लीज। प्रेस प्लीज प्लीज। श्याम भाई, चार्ज पे लगा दो, बैठिए। खाने की बेकार रही है भगवान से, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। बस ये तो हमारे घर है, बस वो भाई साहब अगर जेवर आप रख लें। भाभी अभी जेवर अपने पास रखिए प्लीज, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। लोग तो यहाँ भी है ना भाई साहब? यहाँ तो बराती है ना भाभी, वो भी सारे आपके अपने खानदान के। हमारे यहाँ तो हर कोई आया गया जहेज देखने आ रहा है। जी सही कह रहे हैं आप, ठीक है। मैं कहाँ रखूँ भाई? भाभी पूरा घर बरातियों के लिए है, आप कोई भी जगह देख लीजिए, हर अलमारी में लॉकर। जी जी। पोपो, ये सारा सामान कहाँ रखना है? अरे इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, कहीं भी रख दो। अब आपके यहाँ गैरों की तरह पीछे होके क्यों खड़े हैं? आए ना, आके आए।